हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द साइंस क्लास 8th चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज हम मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन। वी हैव एन इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स। हमारे पास यूनिवर्स में काफ़ी सारे वैरायटी यानी कि अनंत वैरायटी के सब्सटेंसेस हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्मिंग दिस सब्सटेंस इज लिमिटेड। और इन सब्सटेंस को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो जो है संख्या में एक सीमा में ही हैं, लिमिट में ही हैं। देर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स दैट हैव बीन फाउंड। और नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स ओनली 92 हैं जो कि पाए गए हैं। एंड इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो जो एलिमेंट्स हैं उसका क्लासिफिकेशन दो भागों में किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। तो ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं। अ फ्यू अमंग देम आर सच मेटल्स विच पजेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेटल और नॉन मेटल दोनों के ही। और लेस देन 20 उनमें से एलिमेंट में से नॉन मेटल होते हैं। यानी कि जो जितने भी एलिमेंट हैं उसमें तीन तरह की कैटेगरी हो गई, एक तो मेटल, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल, और लेस देन 20 हैं जो नॉन मेटल्स हैं। You might have seen many of the metals in your daily lives, such as iron, gold, silver, aluminium, copper, etc. आपने काफ़ी सारे मेटल देखे होंगे अपने डेली लाइफ में, जैसे कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। अब इस टेबल में हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि इनमें क्या अपीयरेंस है, मतलब क्या इसमें हमें दिखाई देता है मेटल्स में। जैसे गोल्ड है, उसका अपीयरेंस क्या है, हार्डनेस कैसी है, मेटल है या नॉन मेटल है, इस चार्ट में हमें भरना है। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स को नॉन मेटल से अलग किया जा सकता, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है किस आधार पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। यू ऑलरेडी नो दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब आपको जैसा कि पता है कि लस्टर यानी कि चमक, हार्डनेस यानी कठोरता, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल इन दिस चैप्टर। और ये इसी तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में समझेंगे। मोर अबाउट एलिमेंट्स। अब हम एलिमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे। यू हैव लर्न अबाउट केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन इन क्लास 7th। आपने केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है क्लास 7th में। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेज अंडरगो ए केमिकल चेंजेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेज। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें सब्सटेंसेज जो है उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं और नए सब्सटेंसेज बन जाते हैं। जबकि ऐसे सब्सटेंसेज, हाउएवर देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू न्यू सब्सटेंसेज बाई हीटिंग और कूलिंग, बाई इलेक्ट्रोलिसिस, बाई केमिकल रिएक्शंस। तो सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेज जिनमें हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, चाहे वो हीटिंग के फॉर्म में, कूलिंग के फॉर्म में हो, या उस पर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए या कोई केमिकल रिएक्शन की जाए, तो वो जो है सब्सटेंसेज चेंजेस नहीं होते हैं, उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, ऐसे सब्सटेंसेस को एलिमेंट कहते हैं। तो अब एलिमेंट की डेफिनेशन इस प्रकार से है। तो इस तरह से एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हुई, एलिमेंट अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो कि दो या अधिक सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन, टूटता नहीं है, बाई फिजिकल मीन्स ऑफ केमिकल मीन्स और इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि दो या अधिक सब्सटेंस में नहीं टूटते हैं, यदि उन पर फिजिकल मीन्स यानी कि उन्हें हम चाहे पीट दें या फिजिकली उसमें कुछ चेंजेस लाएं या केमिकल चेंजेस करें या इलेक्ट्रोलिसिस की मेथड अपनाएं, तो वो जो है उसमें चेंजेस नहीं होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल,
आयरन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज बाई फिजिकल और केमिकल मीन्स एंड हेंस इट इज़ एन एलिमेंट्स। तो इसका एक उदाहरण है आयरन, जो कि इसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं यदि हम उसको फिजिकली और केमिकली मीन्स में ले जाएं। सिमिलरली कार्बन, लेड, गोल्ड, ETC आर सम अदर एलिमेंट्स। देर आर 115 एलिमेंट डिस्कवर्ड सो फॉर। तो जो एलिमेंट डिस्कवर्ड किए गए हैं वो 115 डिस्कवर्ड किए गए हैं। अमंग दीज एलिमेंट 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग एंड 23 आर मैन मेड एलिमेंट्स। तो इसमें से नेचुरली यानी प्रकृति में पाए जाने वाले एलिमेंट 92 हैं और 23 मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रॉड क्लासेस। एलिमेंट को तीन ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड किया गया है, अभी डिस्कस किया था। तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। देर आर 18 नॉन मेटल्स। अब उनमें जितने भी जो एलिमेंट्स हैं 115, उसमें 18 नॉन मेटल हैं, 7 मेटलॉइड्स हैं एंड 90 मेटल्स हैं, यानी मेटल की संख्या 90 है। और नोट, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन ए सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी एंड गैलियम विच एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट्स। जितने भी मेटल्स हैं वो सारे मेटल जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड्स। तो मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर और गैलियम भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कंडीशन में होते हैं। सम मेटल्स एंड देयर सिंबल्स। अब इसमें कुछ मेटल्स दिए गए हैं जो हमें केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी, इनके सिंबल जानना ज़रूरी है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो अभी आपकी शुरुआत है, इनको सिंबल्स को आप ठीक से लर्न कर लीजिए। जैसे सोडियम है तो सोडियम का सिंबल है Na, पोटेशियम K, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe। तो इस तरह से मेटल्स हैं कुछ जिनके सिंबल दिए गए हैं। सम नॉन मेटल्स एंड देयर सिंबल्स फिजिकल स्टेट। अब कुछ नॉन मेटल्स हैं और फिजिकल स्टेट भी दी गई है उनकी, क्योंकि मोस्टली मेटल्स तो सॉलिड होते ही हैं मरकरी और गैलियम को छोड़ के। और इसके बाद ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल में जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये गैस कंडीशन में होते हैं, जबकि ब्रोमीन लिक्विड कंडीशन में है, कार्बन सॉलिड, सल्फर, फॉस्फोरस, सेलेनियम, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सॉलिड कंडीशन में होते हैं नॉन मेटल्स में। तो अब हम आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के लिए सबसे पढ़ने के पहले हम एक एक्टिविटीज दी गई है उसे देखते हैं। टेक डिफरेंट मेटल सच एज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर अलॉन्ग विद ए कोल पीसेस, स्टोन पीसेस एंड पेंसिल लेड। तो इन मेटल्स के साथ इसमें नॉन मेटल्स हैं जैसे कि कोल पीस, स्टोन पीस और पेंसिल लेड लेते हैं। ट्राई टू हिट ऑल ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। हमें इनको हिट करना है हथौड़े से, हैमर से, फिर हमें ऑब्जर्वेशन देखना है कि क्या क्या इसमें अंतर पाए जाते हैं इन द गिवन टेबल्स, और इन टेबल में हमें लिखना है। यू माइट हैव सीन द वर्किंग ऑफ ए गोल्ड स्मिथ और ए ब्लैक स्मिथ। आपने देखा होगा कि कैसे गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ वर्क करते हैं। हैव यू एवर नोटिस दैट दे फर्स्ट हीट द मेटल टू रेड हॉट बिफोर बीटिंग देम इनटू द डिजायर्ड शेप। आपने देखा है कि ये मेटल को रेड हॉट तक गर्म कर लेते हैं, उनको बीटिंग यानी कि शेप देने के लिए इनको पीटा जाता है, बीटिंग किया जाता है, तो उसको रेड हॉट गर्म कर लेते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंजेस ऑन बीटिंग ए लॉग ऑफ वुड्स। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का सिमिलर चेंज, क्या हम लकड़ी का जो लॉग है उसको बीट करें तो उसमें होगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस बाई परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्टिविटी। इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से ही समझाना था, जिसको हम पहले बता चुके हैं। अब इसमें हमें ऑब्जर्वेशन मिले, जैसे कि मेटल सच एज आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर चेंज देयर शेप ऑन बीटिंग। तो ये मेटल हैं जैसे कि, तो ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं बीटिंग करने पर। वैन दीज मेटल्स आर हिट हार्डर दे चेंज इन टू थिन शीट्स। और ये जो है मेटल्स, जब इनको कठिनता से
हार्डली हिट किया जाता है, बीटिंग किया जाता है, तो ये पतली शीट में भी बदल जाते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी बीटन डाउन इन टू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी. और ये प्रॉपर्टी जो मेटल की है जिसमें शीट में बदल जाते हैं, इसे हम मेलिबिलिटी कहते हैं. मेलिबिलिटी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो डेफिनेशंस को आप लर्न कर लें. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिबल एंड इट इज़ देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज. ज़्यादातर मेटल्स जो है मेलिबल ही होते हैं, यानी कि उनको शीट में बदला जा सकता है. और सबसे ज़्यादा मेलिबल मेटल्स हैं गोल्ड और सिल्वर, और जिंक मेलिबल नहीं है. तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स. मेटल जो है हीट के गुड कंडक्टर हैं. जब इसमें से हीट पास की जाए तो ये जल्दी से जो है गर्म हो जाते हैं. एक छोर पे जैसे हम हीट करें आयरन की रॉड को, तो दूसरा छोर धीरे 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 गर्म हो जाएगा. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, वाइल लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर. जबकि लेड और मरकरी जो है पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के. Now you understand why the base of utensils is coated with copper. अब हम समझ में आ गया होगा जो हमारे बर्तन होते हैं उसमें कॉपर का बेस क्यों लगाया जाता है. क्योंकि कॉपर एक मेटल होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, और ये मेटल के लिए गुड कंडक्ट सॉरी इसमें ये हीट के लिए गुड कंडक्टर होता है, इसलिए कॉपर की कोटिंग की जाती है. मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से सुचारू रूप से जा सकती है. मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउएवर बिस्मथ इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब इसमें आप दो कैटेगरी में जरूर लर्न करें कि कौन से मेटल ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर हैं और कौन से ऐसे हैं जो बैड कंडक्टर हैं. तो बैड कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का बिस्मथ आता है. वेल सिल्वर एंड गोल्ड आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर और गोल्ड जो है बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. बट बींग एक्सपेंसिव एंड मोर डक्टाइल, गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर नॉट यूज फॉर मेकिंग वायर्स. तो जो एक तो महंगा होता है गोल्ड और सिल्वर, और दूसरा मोर डक्टाइल, यानी कि मतलब इसको खींचा तो खिंचता ही चला जाता है, तो इसलिए वायर बनाने में इसका यूज़ नहीं करते हैं. जबकि ये गुड कंडक्टर हैं. हाउएवर दे आर यूज फॉर मेकिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स इन स्विचेस एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स. लेकिन इनको पहले ज़माने में इनको जब स्टार्टिंग हुई थी तब इनके स्विच बनाए जाते थे. कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं स्विच में, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में इनका यूज किया जाता था. अभी भी काफ़ी हाई लेवल पर भी इनका यूज किया जाता है. कॉपर वायर आर यूज फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिक करेंट्स. कॉपर वायर का यूज़ जनरली किया जाता है इलेक्ट्रिक करेंट्स को कैरी करने के लिए. नंबर थ्री, मेटल्स आर मेलिबल. मेटल आर कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर आर हाईली मेलिबल मेटल्स एज दे कैन बी हैमर्ड इन टू वेरी थिन फॉइल्स. तो इनको शीट में बदला जा सकता है, इसलिए इनको मेलिबल कहा जाता है. तो गोल्ड और सिल्वर हाईली मेलेबल हैं. नंबर फोर, मेटल्स आर डक्टाइल्स. मेटल्स आर जनरली डक्टाइल्स, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर, यानी कि पतले वायर में इनको बदला जा सकता है. ये प्रॉपर्टी जो है डक्टाइल कहलाती है. एक्सेप्शन आर सोडियम पोटेशियम मरकरी गैलियम आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ईटीसी. तो ये कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम मरकरी गैलियम आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ, ये जो है डक्टाइल नहीं होते हैं, इनको खींचा नहीं जा सकता है तार में. दे आर नॉट डक्टाइल्स. दस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच दे कैन बी ड्रॉन इन टू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. और जो प्रॉपर्टी होती है उसको डक्टिलिटी कहते हैं, थिन वायर में बदलने की मेटल को. गोल्ड सिल्वर एंड टंगस्टन आर हाईली डक्टाइल्स. तो ये हाईली डक्टाइल्स मेटल्स हैं गोल्ड सिल्वर एंड टंगस्टन्स. वन कैन ड्रॉ ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ गोल्ड्स. तो गोल्ड की 2 किलोमीटर लेंथ लंबी वायर भी बनाई जा सकती है, इतना डक्टाइल होता है. मेटल्स आर सोनोरस. मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट बाई एन ऑब्जेक्ट, दैट इज दे आर सोनोरस. यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट्स में मेटल में
आवाज़ आती है, साउंड आती है जब हम उसको हिट करें, जैसे घंटे बजाते हैं तो उसमें हिट किया जाता है, तो ये जो आवाज़ निकलती है उस तो इसको इस प्रॉपर्टी को सोनोरस कहते हैं। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स व्हेन स्ट्रक ऑन ए हार्ड सरफेस। तो इसकी प्रॉपर्टी है जब हार्ड सरफेस पे जब उस स्ट्रक किया जाता है तो उसमें से आवाज़ आती है रिंग की। फॉर दिस रीज़न दे आर यूज इन बेल्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नंबर सिक्स, मेटल्स आर लस्टर्स। फ्लैशली कट मेटल्स हैव ए ब्राइट मेटल लस्टर, दैट इज मेटल सर्फेसिस रिफ्लेक्ट लाइट ब्राइटली एंड दे टेक पॉलिश ईजीली। तो मेटल जो है चमक होती है और उनकी सरफेस से रिफ्लेक्स हो सकती है लाइट की, और वो जो है पॉलिश भी उन पर आसानी से हो जाती है। मेटल्स आर यूजली हार्ड। मेटल जो है हार्ड होते हैं, कैन नॉट बी कट ईजिली, बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट इनफ टू बी कट विद ए नाइफ। जबकि सोडियम और पोटेशियम इसके एग्जेम्पशन हैं, जो कि ईजिली जो है कट हो जाते हैं नाइफ से भी, जो कि और अदर मेटल जो है कट नहीं हो सकते ईजिली। इवन कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड, ETC आर नॉट वेरी हार्ड। मरकरी इज ए लिक्विड मेटल्स। और जबकि हार्डनेस की बात की जाए तो कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, गोल्ड भी हैं जो कि इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, और मरकरी लिक्विड मेटल होता है। नंबर एट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दैट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ऑन विच एनी सब्सटेंस स्टेट इज मेल्टिंग फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस। तो वह टेम्परेचर का पॉइंट जिस पर कोई सब्सटेंसेस मेल्ट करना शुरू कर देता है और वह सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलने लगता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं उस सब्सटेंस का। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस, क्योंकि उसमें हार्डनेस होती है, कठोरता होती है। एग्जाम्पल आर आयरन मेल्टिंग पॉइंट्स 1593। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1593 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ, बट गैलियम इज एक्सेप्शन टू दिस विच मेल्ट्स इवन वेन कैप्ट ऑन पाम बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी लो। और जबकि गैलियम को भले ही हम हथेली में रख लें तो वो पिघलना शुरू कर देता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। एक्सेप्शन, जिंक एंड मरकरी आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल मेटल्स। तो जिंक और मरकरी ऐसे हैं जो कि नॉन मैनेबल है, इनकी शीट नहीं बनाई जा सकती, और नॉन डक्टाइल हैं यानी कि इनके थिन वायर नहीं बनाए जा सकते। सोडियम एंड पोटेशियम आर लाइटर देन वाटर। और सोडियम पोटेशियम जो है हल्की होती है पानी से भी। ऑल अदर मेटल्स आर हैवियर देन वाटर। जबकि और बाकी के जो मेटल्स होते हैं वो पानी से भी ज़्यादा भारी होते हैं। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की पढ़ी थी, इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक तो नंबर वन, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सेकंड, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, मेटल्स आर मेलेबल। फोर्थ, मेटल्स आर डक्टाइल्स। फिफ्थ, मेटल्स आर सोनोरस। सिक्स, मेटल्स आर लस्टर्स। सेवन, मेटल्स आर यूजली हार्ड। एट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट्स, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेज। तो नॉन मेटल जो है तीन फिजिकल स्टेट में पाया जाता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, रूम टेम्परेचर पर। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड नॉन मेटल्स आर कार्बन्स, सल्फर, फॉस्फोरस, ETC। लिक्विड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ETC। तो जो सॉलिड नॉन मेटल्स हैं उसमें कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आते हैं, और लिक्विड नॉन मेटल्स में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन आता है। लस्टर सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। ऑल द नॉन मेटल्स हैव ए वेरी डल लस्टर, यानी कि बहुत ही कम चमक होती है नॉन मेटल्स में। दे हैव ए वाइडी वेराइटी ऑफ कलर्स, उनमें कई वेराइटी के कलर्स भी होते हैं। एक्सेप्ट आयोडीन, क्लोरीन इज येलोइज ग्रीन इन कलर एंड फॉस्फोरस इज रेड और वाइट इन कलर। और इसके अलावा जो एक्सेप्शन है इसमें कि आयोडीन और क्लोरीन है वो येलो ग्रीन कलर के होते हैं, और फॉस्फोरस होता है वो रेड और वाइट कलर का होता है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कलरलेस गैसेस, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है
कलरलेस गैसेस होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट्स, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम मॉलिक्यूल्स। तो नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में वीक फोर्स होता है अट्रैक्शन का, तो इसलिए ईजिली मेल्ट हो जाते हैं, ईजिली बॉयल भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सल्फर मेल्ट्स एट 119 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आयोडीन मेल्ट्स एट 113 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सल्फर जो है 119 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, आयोडीन 113 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है। नंबर फोर, मेलेबिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, दे कैन नॉट बी बीटन इन टू द सीट्स, इनको सीट में नहीं बदला जा सकता। डक्टिलिटी, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स। कंडक्टिविटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट्स। तो ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी होती है, जबकि ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है। और बाकी सारे जो नॉन मेटल हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती है। हार्डनेस, नॉन मेटल्स आर यूजली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड्स। डायमंड भी नॉन मेटल में आता है, लेकिन ये बहुत हार्ड होता है, और ज़्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं यूजली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर हाउएवर ब्रिटिल, दैट इज व्हेन हैमर्ड दे ब्रेक इन टू पीसेज। नॉन मेटल जो होते हैं ज़्यादातर ब्रिटल होते हैं, यानी कि जब उनको बीट किया जाता है हैमर से तो उनके जो है कई टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस कहलाती है। सोनरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, दैट इज दे डू नॉट क्रिएट ए साउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस। जब नॉन मेटल की हार्ड सरफेस पर स्ट्रक किया जाता है तो उस पर नॉन सोनरस मतलब होते हैं ये, यानी कि साउंड नहीं निकलता है, साउंड क्रिएट नहीं करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स।